प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारा देश पूरी तरह से विकसित नहीं है, यह एक विकासशील देश है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत अधिक है, यहाँ के लोग काफ़ी अंधविश्वासों को अपनाते रहते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि चिकित्सा संबंधी अधिक से अधिक जानकारी देना और इन अंधविश्वासों को दूर करना। इस वीडियो के माध्यम से मैंने चिकन पॉक्स से जुड़ी अनेक प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास किया है। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनके बगैर हम ठीक समय पर ठीक इलाज, सावधानियां और रोकथाम से वंचित रह जाते हैं। सबसे पहले हम जान लें कि यह चिकन पॉक्स होता कैसे है, इसका कारण क्या है। यह एक वेरिसुला जोस्टर नामक वायरस की वजह से होता है, जो कि एक मरीज से दूसरे मरीज तक सांस की नली के माध्यम से ड्रॉपलेट के द्वारा बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके पानी वाले दाने निकलने से दो दिन पहले से लेकर 5 दिन बाद तक दूसरे स्वस्थ पर्सन में फैलने की अत्यधिक संभावना रहती है। जब पानी वाले दाने सूख जाते हैं, उनके ऊपर पपड़ी आ जाती है, तब दूसरों को फैलने की संभावना नहीं रहती। यह अधिकतर बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। हम इसकी पहचान कैसे करें? बच्चे या अडल्ट्स जब किसी चिकन पॉक्स मरीज के संपर्क में आते हैं तो यह वायरस उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है और लगभग 2 सप्ताह में बीमारी शुरू हो जाती है। उन्हें सबसे पहले 3-4 दिन तक बुखार होता है, भूख कम लगती है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द कर जाता है। इसके बाद उन्हें शरीर पर पानी वाले दाने निकल आते हैं, जिन्हें हम रैश कहते हैं। यह रैश मुख्यतर चेहरे पर शुरू होता है, बाद में छाती पर और कमर पर फैल जाता है, हाथों और पैरों पर कम होता है। कई बार पानी वाले दाने नाक व मुंह के अंदर भी हो जाते हैं। पानी वाले दाने छोटे छोटे होते हैं, उनके चारों तरफ लाली होती है। इस अवस्था में संक्रामकता सबसे अधिक होती है। धीरे धीरे दाने सूख जाते हैं और क्रस्ट बन जाती है। क्रस्ट या पपड़ी बन जाने पर संक्रामकता नहीं रहती। यह क्रस्ट 10 से 20 दिन में गिर जाती है और हल्के गड्ढे रह सकते हैं, जिनको बाद में ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी मरीजों को खुजली की शिकायत भी होती है। चिकन पॉक्स और वेरिसेला एक ही बीमारी के दो नाम हैं। कई व्यक्ति इसको गांव में माता के नाम से पुकारते हैं और ऐसा विचार रखते हैं कि इसका इलाज लेने की जरूरत नहीं है और यह अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उन्हें इलाज जरूर लेना चाहिए। यह बात बिल्कुल ठीक है कि अधिकतर मरीजों में यह खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिनका विशेष ध्यान रखना होता है, अन्यथा हम ठीक समय पर उपचार लेने से वंचित रह जाएंगे। 13 वर्ष से नीचे आयु वाले मरीजों में यह बीमारी हल्की होती है और डॉक्टर भी ऐसे मरीजों को कुछ मामूली दवाइयों से ठीक कर लेते हैं। 20 सप्ताह से कम गर्भवती महिला को एंटीवायरल दवाइयाँ नहीं दी जाती। एंटीवायरल दवाइयाँ किन मरीजों को देनी चाहिए? 13 वर्ष से अधिक उम्र के मरीजों को थोड़ा गंभीरता से इलाज करना होता है, क्योंकि इन मरीजों में निमोनिया होने की पॉसिबिलिटी रहती है, जो कि एक घातक बीमारी है। इसलिए 13 वर्ष से अधिक आयु वाले मरीजों को एंटीवायरल दवाइयाँ देनी चाहिए, जो कि चिकन पॉक्स के दाने निकलने के 2-3 दिन के अंदर शुरू करनी चाहिए। उसके बाद शुरू करने का लाभ बहुत कम होता है। इसी प्रकार यदि 20 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला को चिकन पॉक्स हो जाए तो उसको भी एंटीवायरल दवाइयाँ 2-3 दिन के अंदर शुरू करनी चाहिए, नहीं तो निमोनिया की संभावना रहती है। जो मरीज कैंसर की दवाइयाँ खा रहे होते हैं या जिन्होंने अपना गुर्दा बदलवाया हुआ है, ऐसे मरीजों की इम्यूनिटी कम होती है। इनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स कहते हैं। इसी प्रकार यदि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स को चिकन पॉक्स हो जाए तो जल्द से जल्द एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं। नवजात शिशु को भी चिकन पॉक्स हो जाए तो उसको भी एंटीवायरल दवाइयाँ दी जाती हैं। यदि अपने घर में किसी को चिकन पॉक्स हो तो हमें कैसे उपचार करना चाहिए? मरीज को बुखार व खुजली की दवा देनी चाहिए,
केवल चर्म रोग विशेषज्ञ की ही सलाह लेने पर एंटीवायरल दवाइयां देनी चाहिए। चिकन पॉक्स वाले मरीज को हल्का भोजन दें। गर्भवती महिला, नवजात शिशु, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स को दूर रखना चाहिए। 13 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को चिकन पॉक्स वाले मरीज से ज़्यादा दूर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि उसको चिकन पॉक्स हो जाएगी तो 13 वर्ष से नीचे आयु वाले पेशेंट्स को चिकन पॉक्स हल्की होती है और पूरी उम्र के लिए चिकन पॉक्स की इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और उसको चिकन पॉक्स दोबारा नहीं होगी। मरीज को पूरा ठीक होने तक घर में आराम करना चाहिए। चिकन पॉक्स के पानी वाले दाने अत्यधिक संक्रामक होते हैं। जब दाने सूखकर क्रस्ट बन जाते हैं तब ये संक्रामक नहीं रहते। अब मैं थोड़ा चिकन पॉक्स वैक्सीन के बारे में बताना चाहूँगा। बचपन में दी जाने वाली अन्य वैक्सीन की तरह चिकन पॉक्स वैक्सीन को बचपन में देने की जरूरत नहीं है, बल्कि 1 साल से नीचे बच्चों को चिकन पॉक्स वैक्सीन देना वर्जित है। पहली डोज 12 महीने से 15 महीने की उम्र तक दी जाती है और दूसरी डोज पहली डोज के 3 महीने बाद से लेकर 4 से 6 साल की उम्र तक दे सकते हैं। 13 साल से अधिक उम्र में दोनों डोज के बीच में कम से कम 1 महीने का अंतर रखा जाता है। गर्भवती महिला को वैक्सीन देना वर्जित है। चिकन पॉक्स वैक्सीन का अच्छा असर दूसरी डोज के 1.5 महीने के बाद आता है। जब किसी के घर में चिकन पॉक्स का मरीज होता है तब अक्सर हमसे ये कहा जाता है कि बाकी घर के सदस्यों को वैक्सीन लगा दो डॉक्टर साहब, ताकि उनको चिकन पॉक्स से बचाया जा सके। लेकिन 2 कारणों की वजह से वैक्सीन लगाने का फ़ायदा नज़र नहीं आता। पहला कारण यह है, तब तक मरीज के पानी वाले दानों से वायरस संपर्क में आने वाले व्यक्तियों तक पहुँच चुका होता है और वैक्सीन उनमें चिकन पॉक्स होने से नहीं बचा सकती। दूसरी वजह यह है कि 13 साल से नीचे बच्चों को चिकन पॉक्स हो भी जाए तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि चिकन पॉक्स होने पर बाकी की उम्र में चिकन पॉक्स उन्हें कभी नहीं होगी। इस प्रकार उनको आने वाले समय में किसी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड कंडीशन जैसे कैंसर, रिनल ट्रांसप्लांट और प्रेगनेंसी के दौरान चिकन पॉक्स होने की संभावना खत्म हो जाती है। अब सवाल आता है कि चिकन पॉक्स वैक्सीन की जरूरत कब होती है? जब घर में कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हो, जैसे HIV पेशेंट, कैंसर पेशेंट, रिनल ट्रांसप्लांट जिन्होंने करवा रखी हो, तब उसके घर के अन्य सदस्यों को चिकन पॉक्स वैक्सीन लगाई जाती है ताकि उनको चिकन पॉक्स ना हो और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट को चिकन पॉक्स होने से बचाया जा सके। आम आदमी अक्सर अपने मरीज के इलाज के बारे में 2 तरह की गलतियां करता रहता है। जैसे कई बार चिकन पॉक्स दिखाई देने वाली अन्य बीमारियों को चिकन पॉक्स समझ लेता है और कहता है कि यह तो माता है और अपने आप ठीक हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करने से कुछ खतरनाक बीमारियों का इलाज ठीक समय पर नहीं होता। जैसे इस मरीज को देखिए, यह आम आदमी को बिल्कुल चिकन पॉक्स जैसा दिखाई देता है। एक और मरीज देखिए, इन तीनों मरीजों को एक पेम्फिगस नामक घातक रोग है। इस मरीज को इम्पेटिगो नामक रोग है। इस मरीज को सोरायसिस है। इस मरीज को CBDC नामक रोग है। आम आदमी दूसरी गलती यह करता है कि वह 13 साल से अधिक उम्र वाले चिकन पॉक्स के मरीजों को डॉक्टरी सलाह के लिए मना कर देते हैं और ऐसा करने से मरीज को निमोनिया जैसी घातक बीमारी के चांस रहते हैं। उन्हें हम 2-3 दिन के अंदर एंटीवायरल दवाइयां देना चाहते हैं। इसके अलावा चेहरे पर परमानेंट स्कारिंग रह सकती है। मैं अंत में यही कहूंगा कि डॉक्टरी सलाह हमेशा लेनी चाहिए। मेरी भविष्य में आने वाली वीडियो को सबसे पहले जानकारी के लिए बेल दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।